जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक UHQ एनरोलमेंट के बारे में। ये यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है और ये रिलेशन के बच्चों की और स्पोर्ट्समैन के बच्चों की भर्ती है। यहाँ पर जो भर्ती हो रही है, जो रिलेशन के बच्चों की, वो सोल्जर अग्निवीर GD के लिए, ट्रेडमैन के लिए और कलर्क के लिए भर्ती हो रही है। और जितने भी खिलाड़ी भाई हैं खेल कोटा से, जो अग्निवीर GD में भर्ती देख सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती है। तो ये भर्ती कौन से सेंटर में होगी, किस दिन से शुरू होगी, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो कृपया करके 5-7 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथियों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको भविष्य आने वाली हर प्रकार की भर्ती के बारे में जानकारी मिल सके। तो अब बात करते हैं डिटेल से इस भर्ती के बारे में। जो भी भारत सरकार ने अभी अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था, तो उसके तहत जितने भी अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैलियां हो रही हैं, वो सभी, चाहे वो सेंटर हो, ओपन भर्तियां हो, सभी, तो सेंटरों में भी भर्तियां हो रही हैं, वो भी अग्निवीर रिक्रूटमेंट के तहत हो रही हैं। तो यहाँ पर जो ये भर्ती है, ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली है और ये रैली द मराठा लाइट रेजिमेंटल सेंटर बेलगाम, और बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र के स्टेट के बॉर्डर पर है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये सेंटर है मराठालाई का और यहाँ पर ये भर्ती होने वाली है। तो जितने भी मेरे भाई हैं जो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती देखते हैं, रिलेशन के बच्चे, तो उसका शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर ये भर्ती में जाना आपको। ये भर्ती जो है 19 सितंबर 2022 से शिवाजी स्टेडियम है मराठालाई रेजिमेंट सेंटर बेलगाम में, वहाँ पर रिपोर्ट करनी है सुबह 10 बजे। जितने भी भाई जो भर्ती में जा रहे हैं उन सभी को, तो ये भर्ती का शेड्यूल जो है, सभी को आदेश दिया गया है और सभी को बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती में पार्टिसिपेट करें, जो रिलेशन के बच्चे हैं उनके लिए। तो इसका शेड्यूल इस प्रकार से है साथियों, तो 19 सितंबर 2022 को सबसे पहले जो ऑल इंडिया कास्ट, यानी पूरे भारत के सभी प्रदेशों से और राज्यों से जितने भी खिलाड़ी भाई हैं, उन सब के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। तो इसमें गेम कोटा ओपन है गेम कैटेगरी का, तो जो भी गेम कोटा से भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जाए। इनका पहले स्क्रीनिंग होगा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का, उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसको PFT और PMT बोलते हैं। जो PFT होता है उसके अंदर आपको पता है फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है, रनिंग होती है 1600 मीटर की और 10 बीम होती हैं और जिग जैग पे चलाया जाता है और 9 फीट डिच होता है। तो इस प्रकार से ये PFT में होता है। और PMT आपको पता है मेजरमेंट में आपको पता है हाइट, वेट, चेस्ट और आपका वेट वगैरह को नापा जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से ये 19 सितंबर 2022 से खिलाड़ियों की भर्ती है पहले दिन। उसके बाद 20 सितंबर और 21 सितंबर दो दिन पूरे महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी रिलेशन के बच्चे हैं, जो अग्निवीर GD में भर्ती होना चाहते हैं जनरल ड्यूटी में, तो ये यहाँ पर चले जाएं भर्ती में। इसमें दोनों दिन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना है साथियों। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप चार्ट में देख लेना ध्यान से, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, क्योंकि ये बताऊंगा तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, ये पूरे महाराष्ट्र के बहुत ज़िले हैं। तो यहाँ पर ये जाएँ, इसी दिन इनका PFT और PMT होगा, फिजिकल टेस्ट और जो भी मेजरमेंट टेस्ट है वो यहाँ पर होंगे। दो दिन महाराष्ट्र की भर्ती होगी। उसके बाद 22 सितंबर को जो भी भाई मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से और गोवा से जो भी अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भर्ती देखेंगे, उनका फिजिकल होगा, PFT और PMT होगा। उसके बाद जितने भी भाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं, 23 सितंबर 2022 को उन, वो जो जनरल ड्यूटी में भर्ती देखेंगे अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD में, उनके लिए है यहाँ पर। उसके बाद 24 सितंबर को ऑल इंडिया के, ऑल कास्ट के सभी जो ट्रेडमैन में भर्ती देखने वाले हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन की भर्ती 24 सितंबर को होगी।
ऑल इंडिया ऑल कास्ट के लिए और यहाँ पर ये सभी वार्ड्स के लिए ही ये भर्ती। यहाँ पर ये ध्यान देना साथियों कि इसमें सिर्फ वार्ड्स वाले जा सकते हैं, बच्चे रिलेशन के जो सर्विंग और एक्सर्विसमैन के बच्चे हैं यहाँ पर उनका फिजिकल होगा। उसके बाद जो भी कलर्क के लिए भर्ती देखेंगे, अग्निवीर कलर्क के लिए, इसके अंदर स्टोरकीपर है, टेक्निकल एसकेटी है, वो ऑल इंडिया और ऑल कास्ट के जो ये सभी जितने भी हैं जो मराठालाई पूरे भारत में से जो भी मराठालाई रेजिमेंट से रिलेशन के बच्चे हैं, मराठालाई का जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, यानी जो कलर्क की भर्ती है वो सिर्फ मराठालाई रेजिमेंट सेंटर के रिलेशन वाले बच्चे ही यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 26 सितंबर को आपकी भर्ती होगी। ये उसके बाद उनका फिजिकल हो जाएगा 26 सितंबर को। उसके बाद जो आपका कॉमन रिटर्न एग्जाम है वो नवंबर में होने की संभावना है, नवंबर लगभग 13 नवंबर के आसपास। तो साथियों नवंबर में ये भर्ती हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जल्दी ही दिसंबर में फर्स्ट बैच ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। यहाँ पर जितने भी भाई जो भर्ती देख रहे हैं सभी ट्रेडों में आपको बता दिया पूरा डिटेल प्रोग्राम। अब इसके लिए एज कट ऑफ जो इस वर्ष के लिए रखी गई है उसमें बता भी रखा है नीचे कि जो अपर एज है वो सिर्फ इस साल के लिए 23 साल, अगली बार से 21 साल हो जाएगी। तो इस वर्ष के लिए एज कट ऑफ है वो मिनिमम है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 के अंदर होना चाहिए आपकी एज कट ऑफ। वो सभी ट्रेड के लिए है, जीडी, ट्रेडमैन और कलर्क और स्पोर्ट्समैन सभी के लिए यही एज कट ऑफ है, आपको बता दी है। तो जो भी भाई हैं यहाँ पर जा रहे हैं वो देख लेना अपनी एज कट ऑफ वगैरह। उसके बाद एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है, आपको पता है। जो जर्नल ड्यूटी जो भी जीडी के लिए भर्ती देखते हैं उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद जो भी कलर्क में भर्ती देखते हैं वो प्लस टू पास हो, वो किसी भी साइड से हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई भी दूसरी साइड, कॉमर्स किसी से भी हो, साइंस से हो, तो किसी भी साइड से हो, लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूरी है कि इंग्लिश में आपके 50% मार्क का होना ज़रूरी हर सब्जेक्ट के अंदर, और आपके पास में मैथ, अकाउंट्स या बुक कीपिंग सब्जेक्ट हो प्लस टू में, तो आपके पास इस में से एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है अगर आप कलर्क में भर्ती देखना चाहते हो तो। उसके बाद ट्रेडमैन की भर्ती दो प्रकार से होती है, एक 10वीं पास ट्रेडमैन के लिए, एक 8वीं पास ट्रेडमैन के लिए। तो यहाँ पर 10वीं पास ट्रेडमैन के लिए भी है और 8वीं पास ट्रेडमैन के लिए भी है। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भर्ती में, ये पक्का वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। और रैली के लिए बताया गया कि इसके अंदर जितने भी, चाहे वो वार विडो के हों, विडो के हों, सर्विसमैन के, एक्सर्विसमैन के, रियल ब्रदर हैं या बैटल कैजुअल्टी के, सर्विसमैन के, एक्सर्विसमैन के, जितने भी हैं यहाँ पर ये सभी भर्ती देख सकते हैं, रिलेशन के बच्चे, यूएचक्यू एनरोलमेंट है ये। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कोटा वो ओपन है, वो मेरिट के हिसाब से होगा जो भी यहाँ पर भर्ती में जाएंगे। और ऑथराइज रिलेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाएं जो कि आपके रिकॉर्ड अफसर द्वारा प्रमाणित हो, ये नहीं कि कोई जिला सैनिक बोर्ड से बनवा रखा, किसी ने यूनिट सीओसी से बनवा रखा, वो नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है साथियों। और उसके अलावा कोई भी कैटेगरी का ओपन कैंडिडेट यहाँ पर अलाउड नहीं, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये बताया हुआ है इसके चार्ट के अंदर, आप ध्यान से पढ़ लेना इस चार्ट को। जो स्पोर्ट्समैन हैं और जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो बता रखा है कि उसके लिए कौन कौन सा वो होना चाहिए, ये सभी इस चार्ट के अंदर पूरी जानकारी आप देख सकते हो। जब भी आप इस चार्ट को पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। इसमें बताया कि ऑल इंडिया के लिए जो जिसने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेला उसके लिए कौन सी फेडरेशन है, जिन्हें स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का खेला है उसके पास कौन सी फेडरेशन का सर्टिफिकेट हो, ये सभी बताया गया इसमें। इसमें ज़्यादातर है खेलो इंडिया भी है और यूथ अफेयर्स के भी हैं और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, और जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लेवल भी है और ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन भी हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन के बच्चे हैं उनके लिए।
उसके बाद कैंडिडेट्स को सभी को दलालों से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें, किसी के हैंडओवर ना करें और टैटू पॉलिसी के बारे में बताया गया है और ना जो COVID-19 प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी बताया गया है और वैक्सीन के बारे में बताया गया कि वैक्सीन लिया होना चाहिए कैंडिडेट। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो बताए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं रैली के अंदर। तो ये इसके अंदर जो है रिलेशन सर्टिफिकेट आपको बता दिया, रिकॉर्ड अफसर द्वारा वाटरमार्क वाला रिलेशन सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसके बाद डोमिसाइल हो, करेक्टर हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, उसके बाद आपके ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह हो, जितने भी सर्टिफिकेट हैं NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट हो और जितने भी कोई एफिडेविट वगैरह हो और 25 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। इन सभी डॉक्यूमेंट के दो फोटोकॉपी सेट तैयार कर लें, इन सभी को वैक्सीन सर्टिफिकेट ले लें जितने भी भाई यहाँ पर जा रहे हैं, और सारे सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश भाषा में ही हों। उसके अलावा कोई जैसे पंजाब वाले पंजाबी में, महाराष्ट्र वाले मराठी में, इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट ना लेकर जाएं यहाँ पर, ठीक है साथियों, दो ही भाषा में होने चाहिए। उसके अलावा बताया गया है कि जितने भी जो हैं भर्ती होंगे वो अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैलियाँ हो रही, तो अग्निवीर जो भर्ती होंगे इसके लिए आप पक्का देख लेना कि आपका इनरोलमेंट, सर्विस, डिस्चार्ज, एम्प्लॉयमेंट लीव पे, आपका अलाउंसेज, आपको क्या क्या लागू, आपको क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, सभी ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर विजिट कर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। तो इस प्रकार से भर्ती होने वाली है और ये 6 अगस्त का लेटेस्ट प्रेस रिलीज नोट है, तो आप इसको देख सकते हैं, इस भर्ती में जा सकते हैं। और ये भर्ती इस मराठालाई रेजिमेंट सेंटर बेलगांव में कौन जा सकता है, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर है वो वीडियो, हम लास्ट में लगा देंगे, उस वीडियो को भी एक बार सुन लेना, 5-7 मिनट का है, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पर भर्तियाँ देख सकते हैं, किस किस स्टेट के लिए यहाँ पर प्रायोरिटीज हैं और किसके लिए बढ़िया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती आपको बता दी साथियों, ये 19 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है और नवंबर तक ये भर्ती हो जाएगी, ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।